गुड इवनिंग बच्चों बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसमें हमने 6.2 तक कर लिया था। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 से। देखिए, एक्सरसाइज 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग। इसमें हमें डिवाइड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसके काफ़ी सिंपल सिंपल से हैं। देखिए, इसमें कैसे हम डिवाइड करते हैं। इसमें हम अगर बी पार्ट ले लें तो वो है हमारा फर्स्ट का बी पार्ट, 119 XYZ² प्लस 17Z² सॉरी डिवाइडेड बाय 17Z². तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो बेटा बहुत ही सिंपल सा डिवीजन है। जो भी डिवाइड के आगे की तरफ डिवाइड वाले साइन से आगे वैल्यू लिखी है उसे न्यूमरेटर में लिख दीजिए एंड पार्ट वाली को डिनोमिनेटर में, और इन्हें काट दीजिए जिस भी टेबल से ये कट रहे हैं। जैसे Z² से Z² पूरा कैंसिल आउट, और 17 के टेबल में आई थिंक 119 सेवन बार में आता है, तो हम लोगों के पास बचा 7XY आंसर। ठीक है, उसके बाद इसका आप अगर ई पार्ट देखोगे, जी पार्ट सॉरी, तो इसका जी पार्ट देखिए, जी पार्ट है इसका 45X²Y²Z² प्लस 36Y²X²Z² प्लस 18XY²Z²Y²X², और ये पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा। इसको हमें डिवाइड करना है 2Z² से, सॉरी 9XYZ से। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरी जो वैल्यू है डिवाइड से आगे ये हमारी न्यूमिरेटर में चली जाएगी, और ये जो 9XYZ है ये पूरे वैल्यू के नीचे, हर एक वैल्यू के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, हर एक वैल्यू के नीचे डिवाइड में, ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं सबके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। देखिए, बीच में प्लस का साइन था, ये सेपरेट हो रही थी, तो सबके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। और अगर आप एलसीएम लोगे तो सबके नीचे 9XY आ जाएगा, है ना, 9XYZ। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है कि 9XYZ को आप सबके नीचे लिख दो या सिंगल सिंगल के नीचे करके लिख दो, करना सेम काम है ना। तो 9 से हमने ये काटा 5 बार में, XYZ से पावर 111 खत्म हो गई, है ना, 2 थी तो 2 में से 1 खत्म हो गई, तो यहाँ पे रह गया 5XYZ, क्योंकि आपको पता है डिवाइड ऑफ पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना। तो नीचे एक्स की पावर 1 है, ऊपर 2 है, तो 2 में से 1 खत्म, और 2 में से 1, 2 में से 1 कैंसिल आउट। सिमिलरली बिल्कुल यहाँ पे करेंगे 9 4 एंड XYZ से पावर 2 खत्म, तो यहाँ पे रह गया हमारा कितना 4YXZ। ठीक है, फिर यहाँ भी हम लोग यही करेंगे, 9 से ये कट गया 2 बार में, और इन सारे जेड से पावर खत्म, तो यहाँ पे रह गया हमारा 2ZYX। तो देखिए बेटा, इन सब के पीछे वेरिएबल जो है सेम है, XYZ XYZ सबके पीछे है, तो ये लाइक टर्म है, तो ये ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 5 9 एंड 2 11XYZ। ये चाहे तो आप ऊपर भी कर सकते थे, पहले इन सबको ऐड भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है, आप पहले ऐड कर लो बाद में डिवाइड कर लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया आपको? चलिए आगे क्वेश्चन करें। ठीक है, हर एक इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें बीच में प्लस माइनस के साइन हो और जिस भी वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो सबके अपॉन में सेपरेटली चला जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? सर इसे वैसे नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवाइड वो बॉक्स बना के बेटा, यस सर। बॉक्स बना के करोगे तो बेटा हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन खामखा। ठीक है, ये सिंपल लग रहा है ना आपको, सिंपल ही लग रहा है वाला, ठीक है, बॉक्स नो में वेरी थोड़ा टफ लग रहा है, ये टफ लग रहा है। देखिए बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल यस सर। है ना, अगर आप इसको बॉक्स बना के करोगे ना तो खामखा लेंथ ही हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसी तरीके से करिएगा इसको, चाहो तो आप बॉक्स बना के कहोगे तो मैं बॉक्स बना के भी सिखा देता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ करके।
देखिए आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी मेथड से करना, क्योंकि इस मेथड से ना क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बॉक्स बना के आपको दिक्कत आएगी अगर क्वेश्चन, पता है? फिर सारे क्वेश्चन ऐसे करना है मेथड हाँ, सारे से। इस वाले फर्स्ट के सारे पार्ट ऐसे ही करना है। देखिए बेटा जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको ना एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, देखिए आपको दिक्कत किस टाइप के क्वेश्चंस में आएगी, कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये क्वेश्चन है सपोज, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना है आपको, पूरा एक पार्ट था, इसको डिवाइड करना है आपको इसमें। ठीक है, इस पूरे को आपको जैसे सपोज डिवाइड करना है 2x से, ठीक है बेटा। अगर आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 2 लिखोगे, 2x। अब देखिए फर्स्ट में तो 2 चाहिए है ना, तो पहले आप कहोगे सर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में तो आपको सिंपली क्या चाहिए, वाई जेड, तो वाई जेड से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 2xyz, ठीक है। फिर बचा 12xab, तो यहाँ पर 2x तो है ही, 2 में किससे इंटू करूँ, 12 आ जाए 6 से, x है ऑलरेडी, ab से इंटू करेंगे तो 12xab आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 7x बचा, तो 2 में किससे इंटू करें, 7 आ जाए, तो बेटा 2 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो 2 में अगर किसी से इंटू करके 7 लाना है हमें, तो भाई 2 में 7 से इंटू कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। देखिए 2x को हमें 7x में चेंज करना है बेटा, तो इसमें 7 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7x आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया, तो यहाँ पर 7x आ गया, क्रॉस करा, यही आंसर है, ठीक है। अब ये तो था आपका डिवीज़न वाले मेथड से। अगर मैं जो वाला मैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उससे करोगे आप, तो देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो ये 2x हर एक वैल्यू के नीचे चला जाएगा, हर एक वैल्यू के नीचे चला जाएगा 2x। अब देखिए इसे सॉल्व करिए सिंपल, 2x से 2x कैंसिल आउट, 2x से 12x का गया 6 बार में, और x से x कैंसिल आउट, वैल्यू बची हमारी yz 6ab और 7/2। तो देखिए बेटा कितने सिंपल तरीके से हो गया, नहीं हो गया? बताइए लक्ष्य, आपको कौन सा इजी लग रहा है? हेलो लक्ष्य बेटा, आवाज आ रही है? सर ये वाला सर सेकंड वाला लग रहा है ना इजी, जो मैंने बोला था सब? यस सर हाँ बेटा इसी से करिएगा बेटा, ठीक है। मैं आपको जो बेस्ट और इजी होगा ना वो बोलूँगा, रिकमेंड वो ही रिकमेंड करूँगा करने के लिए। जो इजी अगर ये होता ना तो मैं इसी को करता। हेलो हाँ बेटा, सर यहाँ पे 7/2 कैसे आए बेटा एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पे 7/2 सर बची है यहाँ पे यहाँ पर हमें बेटा, देखिए यहाँ पे हाँ हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया ना। देखिए ये 7 तो पहले से था, और ये 2x सबके नीचे डिवाइड में जाएगा ना, इसके नीचे भी चला गया, ये रहा, इसके नीचे भी गया, तो इसके नीचे भी तो जाएगा बेटा, तो एक्स एक्स कट गया तो 7/2 ही तो बचेगा, ठीक है। चलिए बेटा अब इसमें आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हम लोगों को बोला है परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। इसमें भी करना है डिवाइड ही है, बट वेरीफाई करना है रिजल्ट को। तो देखिए कैसे करेंगे, सेकंड का बी पार्ट आप देखिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 17x-9 डिवाइडेड बाय x-3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें ना डिवाइजर डबल टर्म में हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स भी है थ्री भी है, माइनस में है ना, तो 2 टर्म हो गई ना, तो इस क्वेश्चन में फिर आपको बॉक्स बना के करना है, ठीक है। जब आपका जो डिवीजर है डिवाइजर है वो सिंगल हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सिंगल टर्म थी, यहाँ पर भी आप देखोगे सिंगल वाई जेड था, सिंगल 2x था, है ना, सिंगल टर्म थी, यहाँ पर भी सिंगल टर्म, यहाँ पर भी सिंगल टर्म, तो आप इसे नॉर्मली डिवाइड करो सबके नीचे ले जाके, तो
बट जब यहाँ पे आपकी डबल टर्म आ जाएगी ना, तो आप इसको सबके नीचे ले जाके डिवाइड नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी करने में। तो आप इसको कैसे करोगे, फिर आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में, हाँ बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें ये बताने वाला था, सपोज़ ये क्वेश्चन ना इस तरह से लिखा होता, देखिए मैं इसे ना एक दूसरे तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ। सपोज़ यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, ये कुछ ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ मैं इसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सपोज़ ये ऐसे लिखा होता, तो सबसे पहला काम आप बेटा ध्यान रखिए, चाहे वो डिवाइडेंट में हो या डिवाइज़र में हो, पावर को पहले आपको, उसको पावर को असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखना है, मतलब बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी पावर, ठीक है, और लास्ट में सबसे छोटी पावर या कांस्टेंट टर्म। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन पावर्स के असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, तो आप जब उसे सॉल्व करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले इसे पावर्स के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसके? पावर्स असेंडिंग ऑर्डर, याद रहेगा सबको। अगर आप पावर्स के असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखोगे बेटा, तो क्वेश्चन गलत आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको उसको पावर्स के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, नाउ अब हमें करना है डिवाइड। देखिए बेटा कैसे करेंगे डिवाइड, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो हमें हेलो किससे? सर, हाँ बेटा, हेलो सर, हाँ एक्स प्लस 3 है, माइनस नहीं है। प्लस में, तो प्लस में कर दीजिए। देखिए ठीक है, तो प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा, हमारे पास है एक्स प्लस थ्री, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। तो बस हमें फर्स्ट वाली टर्म देखनी है इसकी, और फर्स्ट इसकी देखनी है। देखिए यहाँ है स्क्वायर, हेलो यहाँ पर है एक्स, तो हम किससे इंटू सर, करेंगे? हाँ अगर पावर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिजिट्स मतलब तो नहीं है। डिजिट्स वही रहेंगे बस बेटा, पावर जो पहले बड़ी है ना उसको आगे लिख दो, फिर छोटी वाली को, फिर लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, सेम इसमें भी करेंगे, डिवाइजर में भी पहले बड़ी पावर एक्स की, वेरिएबल की पावर। ठीक है, हमें नंबर्स की पावर नहीं देखनी, वेरिएबल्स की, मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड, बस केवल इनकी पावर्स देखनी है। तो इनकी पावर्स के उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, पहले असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग, पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब पहले छोटी, फिर उससे छोटी, और एंड में सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी छोटी। चलिए बेटा हमारे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, तो हमें बनाना क्या है, ये वाली टर्म बनानी होती है, फर्स्ट वाली टर्म। तो एक्स को एक्स स्क्वायर में बनाने के लिए एक्स से इंटू करनी पड़ेगी, तो एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स की थ्री में भी इंटू करनी है, दोनों में करनी है, पहले एक्स में फिर थ्री में, तो थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनके आगे साइन है, जैसे इसके आगे कोई साइन नहीं दिख रहा तो प्लस का मानेंगे, तो प्लस का साइन है इसके आगे, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का। थ्री एक्स के आगे आप देख रहे होंगे प्लस का है, तो यहाँ भी लगा देंगे माइनस का। अब इनके आगे हम माइनस के साइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर की तरफ वैल्यू के आगे साइन है ना, उसका अपोजिट साइन हमें लगाना है, और फिर उनके आगे उसी साइन को हमें लेना है। जैसे ये एक्स स्क्वायर अब हो गया है माइनस का, ऊपर है प्लस का, कैंसिल आउट, नीचे थ्री एक्स माइनस का है, ऊपर 17 भी माइनस का है, 17x, तो 3x माइनस 17x, माइनस माइनस प्लस, 17 और 3 हो गया माइनस 20x, और 9 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए माइनस का 20x, x तो पहले से है, माइनस 20 और चाहिए, तो माइनस 20 से इंटू करेंगे, तो x इंटू माइनस 20, माइनस 20x, और माइनस 20 के 3 से इंटू करेंगे तो माइनस 60। ठीक है बेटा, फिर वही काम, इनके साइन अपोजिट कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। जैसे नीचे 20 है माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा, 60 माइनस है तो ये प्लस, अब ये प्लस का 20 हो चुका है, इससे ये कैंसिल आउट, 60 प्लस का हो चुका है, और ऊपर 9 माइनस का है, तो 9 माइनस 60 प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 60 में से 9 क्या बचा, 51, तो ये हमारा आ चुका है आंसर। ठीक है, जिसमें हम लोगों का रिमाइंडर जो है वो कितना आ चुका है, रिमाइंडर मतलब जो बचा वो है 51, क्वेश्चन कितना आ चुका है, क्वेश्चन जिस मतलब जिस जितनी बार में हमने डिवाइड दिया वो था हमारा x माइनस 20। ठीक है,
डिवाइज़र, डिवाइज़र होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे थे हम, एक्स प्लस थ्री से, और डिविडेंड या डिवाइडेंट, डिवाइडेंट को तो कौन होता है बेटा, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, डिवाइडेंट बोलते हैं उसको। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसने आगे ये भी बोला था ना वेरीफाई, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो डिवाइडेड हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 9, डिवाइजर हमारे पास है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशेंट हमारे पास है एक्स माइनस 20 और रिमाइंडर हमारे पास है 51। तो बस आपको इसे दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है, तो आप ले लीजिए RHS, RHS है हमारी एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 20 प्लस 51। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की 20 से करेंगे तो 20x, फिर ऐसे 3 की एक्स से करेंगे तो 3x, एंड 3 की 60 से 20 से करेंगे तो माइनस 60 प्लस 51। एक्स स्क्वायर 20x माइनस प्लस 3x हो गया माइनस का 17x, एंड 60 माइनस का है 51 प्लस का है, तो 60 में से 51 क्या बचा, माइनस के 9। तो आप देख रहे होंगे RHS भी LHS के इक्वल आ चुका है ना, तो यही हमें वेरीफाई करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS, बस ये लिख देंगे और नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। समझ में आया बेटा, लक्ष्य आपको क्लियर हुआ? यस सर। देवेंद्र समर, कोई डाउट बेटा इसमें? किसी को कोई डाउट? चलिए बेटा फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है मल्टीप्लाई, बोला है मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे। और मल्टीप्लाई कैसे बोला है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4x³ माइनस वाई क्यूब इससे। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, पहले इसकी देखिए जो भी मल्टीप्लाई में जितनी भी टर्म्स होती है उनकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, जैसे फर्स्ट एक्स स्क्वायर है तो इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई सर, ये होगी। तो 6.2 का क्वेश्चन है। 6.2 का है ये? यस सर, 6.3 में से दो ही क्वेश्चंस हैं। अच्छा सर, 6.3 में दो ही है? हाँ सर, ये वाला बता दीजिए। अच्छा चलो बता ही देते हैं फिर। अब तो ये 6.2 का है बेटा, ध्यान रखिएगा बस। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, पहले इसकी फर्स्ट वाले के साथ भी इंटू करेंगे और इसके सेकंड वाले, हर एक मल्टीप्लाई में ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही वाई की फर्स्ट वाले के साथ भी इंटू, फिर वाई की सेकंड वाले के साथ भी। तो आप करिए इसको, एक्स स्क्वायर की सबसे पहले किससे, 4x³ से, फिर एक्स स्क्वायर की वाई क्यूब से। एक्स स्क्वायर प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस का है, वाई माइनस का है, तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन। नाउ वाई स्क्वायर माइनस का है, 4y प्लस का है, तो माइनस प्लस, माइनस का साइन आ जाएगा, वाई की हो गई 4x³ से, फिर वाई भी माइनस का है, ये वाला वाई भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, वाई स्क्वायर की वाई क्यूब से। तो देखिए बेटा यहाँ पर हो गया, ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4x⁵ माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पर हो गया हमारा 4x³ y² मल्टीप्लाई में पावर तभी ऐड होती है जब दोनों तरफ सेम बेस होते हैं, और यहाँ पर हो गया y⁵। अब सारी की सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे x⁵ और कहीं भी x⁵ नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर y⁵ और कहीं भी y⁵ नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, यही आंसर है। सर नोट करने, हाँ बेटा नोट कर लीजिए। समझ में आया बेटा, लक्ष्य देवेंद्र? तो बेटा आप लोगों का होमवर्क यही है। लक्ष्य बेटा आपने होमवर्क करके नहीं भेजा था साइंस का? सर मैं भेज दूंगा आज। हाँ
हाँ और देवेंद्र आप सर थोड़ा बेटा, सा बचा देवेंद्र आप अगर है, हो ये, चुका है, हो हाँ मैथ्स चुका का है। होमवर्क नहीं भेजेंगे ना, मैथ्स और साइंस का, तो अगली क्लास में आप आ नहीं पाओगे। जो भी होमवर्क नहीं भेजेगा वो अगली क्लास में नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो होमवर्क ज़रूर भेज दीजिए सर मैं बेटा, थोड़ा सा बताया, मैं सर ठीक एक है? दो क्वेश्चन बचे।